بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अनआम की आयत नंबर 31-34 इंशाल्लाह देखते हैं। और इन आयतों में अल्लाह सुभान व तआला बता रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो आखरत में नुकसान उठाने वाले हैं, अल्लाह की नज़र में दुनिया की क्या हकीकत है। इंशाल्लाह ये तमाम बातों पर जो है वो रोशनी डाली अल्लाह सुभान व तआला ने। देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 31 में कि यकीनन नुकसान में पड़े वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को, यहाँ तक कि जब आएगी उन पर क़यामत की घड़ी वो अचानक ही आ जाएगी और वो कहेंगे हाय हसरत हम पर जो कोताही की हमने इस मामले में, यानी क़यामत के मामले में हमने जो कोताही की उस पर अफसोस है हम पर। और वो उठाए होंगे अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते देखो कैसा बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। आयत नंबर 32। वमल हयातु दुनिया इल्ला लईबुन वला وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون। और नहीं दुनिया की ज़िंदगी मगर दिल लगी और तफरी का सामान है, यानी खेल और तमाशा है। और यकीनन आखरत का घर जो है वो बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डर डर कर जो है वो अल्लाह से डरते हुए अल्लाह का तक्वा रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या फिर तुम अक़ल का इस्तेमाल नहीं करते हो। आयत नंबर 33। قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ। در حقیقت ہم جانتے ہیں नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो यकीनन वो गमगीन करती हैं आपको वो बातें जो वो कहते हैं, फिर बेशक वो नहीं वो छुटला रहे हैं आपको बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। आयत नंबर 34। वलाकद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़िबू वऊज़ू हत्ता अताहुम नस्रुना वला मुबद
تلال كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. और बेशक झुटलाए गए बहुत सारे रसूल आपसे पहले भी, तो उन्होंने सब्र किया उनके झुटलाने पर और उनके सताए जाने पर, यहाँ तक कि आई उनके लिए हमारी मदद. और नहीं कोई बदल सकता अल्लाह की बात को. और यकीनन आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाक़यात कुछ रसूलों के. चलिए चलिए इंशाल्लाह आगे जो है हम आयत नंबर 31 से देखते हैं सूरह अनआम. और बातें बिल्कुल वही चल रही है, कयामत का नक्शा अल्लाह सुभान तआला खींच रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या होगा उस दिन. फिर देखिए कि पीछे जो हमने पढ़े अभी 27 28 29 इन आयतों में, तो अपने आप को सोचिए अल्लाह सुभान तआला क्या फरमा रहे हैं कि इनका हाल ऐसा है इन लोगों का, जब ये जहन्नम के सामने खड़े होंगे तो ये हसरत जाहिर करेंगे कि काश हमें दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाता तो हम ऐसा काम नहीं करते. जबकि अल्लाह सुभान तआला कह रहे हैं कि ये जरूर वही काम करते जिससे इन्हें रोका गया था. ये झूठे लोग हैं. खुद के बारे में सोचिए जरा कि जब कोई मैं किसी काम का इरादा कर लेती हूँ, मुझे मौका भी मिल जाता है, देन मेरा रवैया क्या होता है, क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो समझिए कि आपको पता चला कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है, ठीक है, और वो मेहमान 3 बजे आने वाले. चले आपने 12 बजे काम शुरू किया, बड़ी गड़बड़ गड़बड़ में आपने जल्दी जल्दी काम किए, कैसे भी उठक पटक ऐसा वैसा ये वो. देन आपको पता चलता है आपके शौहर बोलते हैं ओहो वो तो रात को 9 बजे आने वाले, अभी वो 3 बजे नहीं आने वाले. आप बोलोगे ओहो अच्छा ठीक है 9 बजे आने वाले, चलो अभी तो 9 बजने में बहुत टाइम है, 5-6 घंटा है, चलो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ. आपने क्या किया, लेटे सो गए, आंख लग गई आपकी, और आप उठी तो बस वही 1 घंटा रह गया, फिर उथल पथल करे आप सारे काम को. ये हाल होता है जी. ये अल्लाह सुभान तआला एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे ही कि जब इन्हें मौका मिला जिंदगी में दुनिया में तो इन्होंने इस काम को नहीं किया. अपने आप को रखे यहाँ पर कि अगर इंसान दुनिया में ऐसा मामला करता है, ऑन टाइम काम नहीं करता है और अब उसकी जिंदगी जो उसको मिली है उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, तो मे भी कि उसको आखिरत में अल्लाह ना करे कि ऐसा सामना करना पड़े. ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आगे 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 के इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने और क्या नक्शा खींचा है. हजरत बोल रहे हैं कि इनका हाल ऐसा है कि जब ये लोग जो है अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे लोग कि हाँ ये सच है, ये कयामत सच है, ये आजाब सच है, ठीक है, अल्लाह ताला भी उनसे कहेंगे जाओ चखो तुम्हारे करनी का तुम वबाल चखो, ये नाफरमानी का जो है वबाल चखो, ये आजाब जो तुम्हें चखाया जा रहा है. चलिए अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं और खसर वजीन कज़बू, कि दर हकीकत नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटला दिया किसको, अल्लाह की मुलाकात को. सोचिए जरा जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटला दिया, ये कौन लोग होते हैं, बिल्कुल गफलत में जिंदगी गुजारने वाले. और ये लोग वो हैं, पीछे हमने पढ़ा ना आयत नंबर 29 में कि ये जो इनका रवैया था यानी कि अल्लाह को नहीं मानते थे, रसूल को नहीं मानते थे, क्यों, क्योंकि ये हयात दुनिया उनका यही था कि हमें यही जीना यही मरना है, कोई हमें नहीं पैदाइश में नहीं उठाया जाएगा. तो आखरत के इनकारी जो लोग होते हैं, और अपने आप को सोचे यहाँ पर क्या मैं भी ऐसे सोचती हूँ, तो इसका म्यार आप कैसे रखेंगे. अपने आप को देखिए, आप दुनिया के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं या अल्लाह के हुक्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, बस इसी से आप अपने आप में एक क्लियरिफिकेशन कर पाएंगी कि किस तरीके से वाकई मैं अल्लाह की मुलाकात की इनकारी हूं या वाकई मुझे अल्लाह की मुलाकात का शौक है. सोचिए जरा, सोचिए, अल्लाह अकबर. देखिए कि और आपको पता है ये कौन लोग हैं जो खसारे में जाएंगे. अगर ये देखिए कि आज भी अगर चलिए कोई मुलाकात को झुटलाता नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं किया.
जिंदगी में जो वक्त मिला, जो अल्लाह की नामतें मिली, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, अंजाम ये हुआ कि इन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया। और इनका क्या है? अच्छा देखिए कि फिर उन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया, तो फिर काम क्या था दुनिया में इनका? बस दुनिया के गम। आपको पता है जिस लोग जिस तरीके से लोग हैं, जो यानी कि खुशियां जो है समेट कर रखते हैं, कुछ लोग गम भी समेट कर रखते हैं दुनिया में, जबकि अल्लाह का वादा है कि जिसने जो मेरी इस वही को थाम लिया तो उस पर कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस चीज को महसूस करेंगे जब ये कलाम अल्लाह का आपकी जिंदगी में आएगा किसी भी सूरत में। और यहाँ पर बहुत खुली खुली बात बताई जा रही है, अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि ये क्यों बताए कि इन्होंने मतलब झुठला दिया, क्योंकि देखिए जिसको यकीन होता है ना किसी चीज का, वो उसकी तैयारी करता है। अब देखिए कि आप ये जो दुनिया में है, अल्लाह सुभान व तआला अपनी मुलाकात का हमें एक्सपीरियंस कराते रहते बाय नमाज 5 वक्त में, दिन में 5 वक्त तो कम से कम मुसलमान इल्ला माशाल्लाह, सारे लोग तो पढ़ते नहीं है। आज अक्सर दूसरा मुसलमान हमें ऐसे दिखता है जो नमाज अदा नहीं करता है, ठीक है, नमाज अदा नहीं करता, बड़े सीनक के कहेगा मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो आशिकान रसूल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे करेगा, अल्लाह से मोहब्बत के दावे करता है, और दावे 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 करते रहते हैं, बाकी अमल कुछ नहीं रहता ऐसे लोगों का। और ये लोग, क्योंकि देखिए कि अभी आपको पता है ना कि अभी जहर का वक्त होने वाला है, अभी असर का वक्त होने वाला है, या ईशा का जो भी वक्त होने वाला है, आपको यकीन है ना कि अभी वक्त होने वाला है नमाज का, तो आप उसकी तैयारी क्या करती है? वजू करती हैं, आप अपने आप को थोड़ा पाक साफ करती हैं, अपने कपड़े अगर कुछ गंदे हैं तो उसको संवारती हैं, अपने माइंड को सेट करती हैं, जाए नमाज बिछाती हैं, देन तकबीर आप कहती है, तैयारी हुई ना नमाज की। तो देखिए कि जिसको यकीन ही नहीं है कि अभी अगला पल जो है जोहर या असर का आने वाला है, तो वो क्या बंदा तैयारी करेगा? तो देखिए कि यकीन होती है तो फिर इंसान जो है उसकी तैयारी भी करता है, और तैयारी करवाता है ये यकीन अल्लाह पर हमें। और मोमिन का यही रवैया होता है, देखिए वो ये जो दुनिया है इसमें अपने आखिरत की वो तैयारी करते रहता है। और एक चीज देखिए, अच्छा एक बात बताया आप, मुलाकात किसे किसे मुलाकात का ज्यादा शौक होता है हमें? जिससे मोहब्बत होती है। आपको देखिए कि आपको अपने दोस्त से मिलना है, या आपके रिश्तेदार जिनसे आप मोहब्बत करती हैं, या किसी से भी आप उनसे जब आप मुलाकात करने जाती हैं तो मिलने का शौक होता है ना आपको, क्योंकि आपको उनसे मोहब्बत है। तो सेम थिंग कि जिससे जिसको अल्लाह सुभान व तआला से मोहब्बत हो जाए ना, तो उसके मुलाकात की सारी तैयारी भी करता है वो। अल्लाह तआला बोल रहे हैं कि नुकसान में डाल दिया उन लोगों ने जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की मुलाकात को। देखिए मुंह से नहीं कहता है, लेकिन अमल से जाहिर करता है कि मैं आखिरत को नहीं मानता हूँ। जबान कोई मुसलमान नहीं कहता है नाउज़ुबिल्लाह कि मतलब मैं आखिरत को नहीं मानता हूँ, लेकिन अमलन आप देखिए जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तआला बोल रहे हैं कब तक ये नुकसान में पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि जब आ जाएगी उसके पास या उन पर क्या कयामत अचानक। देखिए जरा अल्लाह तआला बता रहे हैं कि अब ये कयामत उसकी मौत भी हो सक्ती है, कयामत भी हो सकती है, दोनों चीजें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ना कि इंसान की मौत कयामत सुगरा है, यानी छोटी कयामत है, यस डेफिनेटली। अब देखिए कयामत की कोई आयतें पढ़ के इंसान सोचता है ओहो अच्छा है भाई, मैं तो जब नहीं रहूंगा चलो, तो भाई मर गया आदमी तो कयामत तो आ गई ना उसकी, फिर तो वो कयामत के दिन ही उठा जाएगा ना, ये इंसान क्यों नहीं सोचता है, इतनी फिक्र क्यों नहीं है इंसान को अपनी? अल्लाह तआला वही बता रहे हैं कि फिर उसके बाद यानी कि जब इसने अपने अपने नुकसान में डाल दिया और अचानक जब इसकी मौत या कयामत आ जाएगी तो कहेगा क्या? गौर करिए जरा आयत जुमले पर गौर करिए, या हसरतना अला मा फत्तरना फीहा, मा फर्रतना फीहा। आप देखिए कि वो सब क्या कहेंगे, हाय हसरत हम पर। एक तो हसरत है नॉर्मली एक वर्ड है, कोई हसरत दिल में आ जाना इस तरीके से, और या उसके साथ आ जाना, तो समझ सोचिए कि अल्लाह सुभान व तआला बहुत ज्यादा जोर दे रहे उस बात पर, बहुत ज्यादा जोर देकर बोल रहे हैं कि ये लोग जो है उस दिन इतनी शिद्दत से ये लोग कहेंगे हम पर अफसोस, किस बात पे भाई, मा फरवतना, इस बात पर जो कोताही की हमने इस मामले में, किस मामले में,
अल्लाह से मुलाकात के मामले में। अल्लाह हू अकबर। देखिए उस वक्त अफसोस करके क्या फायदा ना, लगता है आपको आयतें पढ़ के मुर्दे भी पढ़ने की किताब है? आयतें जिंदों के लिए हैं। आज अपने शऊर को बेदार करिए कि ये सोचिए ये कयामत की इतनी गैब की बातें अल्लाह सुब्हान तआला आज अपने कलाम में मुझे और आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अल्लाह ना करे कि ऐसे लोगों में हम वहां पर शामिल रहें और ऐसे लोगों की लाइन में खड़े रहें जो वहां पर अल्लाह सुब्हान तआला की दीदार, रहमत और जन्नत हासिल करने के बजाय अब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल हसरत कर रहे हो। तो सोचिए जरा, अल्लाह ना करे कि ऐसा मामला हो हमारे साथ। अल्लाह सुब्हान तआला मजीद फरमाते हैं, और होगा क्या, अब कोताही देखिए, कोताही अब ये देखिए कि आख रहने की, अपने आप से सोचिए कि देखिए आखिरत में, यानी खुद को रखिए वहां पर कि अल्लाह ना करे कि आप ऐसे लोगों में आए या हम ऐसी बातें शिद्दत महसूस करिए। कैसे इंसान वहां पर हसरतें जाहिर करेगा, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, और इतनी ये हसरत क्यों होगी इनको, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की मुलाकात को जो है वो छुटला दिया था और इसकी कोई तैयारी नहीं की। तैयारी नहीं की तो भाई नुकसान उठाया, ठीक है, हाल क्या होगा उनका, क्या होगा उनके साथ। अल्लाह तआला बताते हैं, वहुम यहमिलूना औजारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो सब उठाए होंगे अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर। अल्लाह अकबर। देखिए जरा, अपनी पीठों पर, तो क्या पता चला कि कयामत के दिन देखिए कि गुनाहों को शक्ल दे दी जाएगी अलग अलग, किसी को परिंदे की शक्ल, किसी को जानवर की शक्ल, किसी को पार्ट्स ऑफ द बॉडी की शक्ल, यानी कुछ भी उसको शेप दे दिया जाएगा गुनाहों को, और इस तरीके से अल्लाह सुभान ताला जो है हिसाब किताब करेंगे। अल्लाह अकबर। अगर औजारा जो है ना, औजारा ये बिल्कुल यानी कि नागवार जो बोझ होते हैं ना, जबरदस्ती किसी के ऊपर लाद देना, ये वो वाला बोझ होगा। इंसान जबरदस्ती दुनिया में अपने ऊपर लादा हुआ है, और ये अल्लाह सुभान तआला बता रहे हैं कयामत के दिन ये अपने बोझों को अपनी पीठ पर उठाएंगे। और आपको पता है कि दुनिया में जो लोग नेकियां करते हैं ना, नेकियां जो है वो जन्नतियों के लिए या फिर कहिए कि नेकी करने वाले के लिए सवारी बन जाती है, यानी नेकियों पर वो नेकी करने वाला खुद सवार होगा। जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज हमारे पास है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, प्लेन कहिए, ट्रेन कहिए, कुछ भी, उसी तरीके से नेकियां कयामत के दिन हमारी सवारी बन जाएगी, लेकिन गुनाहों का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट कि उल्टा गुनाह इंसान को अपनी पीठ पर लाद कर चलना पड़ेगा। कहें कि गुनाह इंसान जो सवारी बन जाएगा गुनाह का। क्या इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि कयामत के दिन वो इतने बोझ उठा ले? अल्लाह हो पर, अल्लाह। फिर देखिए उसके बाद वही अल्लाह तआला बता रहे हैं कि, और पता है अला देखिए सा आमा यजीरून, और देखो कैसा बुरा बोझ है जो वो उठाएंगे। देखिए मतलब कि सारी जिंदगी उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारा बोझ अल्लाह तआला बता रहे हैं कि अपने पीठ पर वो उठाएंगे, चाहे वो दीन के नाम पर हो, दुनिया के नाम पर हो, कुछ भी हो, सारा बोझ ये अपने जो है पीटर उठाकर और अपने आप को देखेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इनसे इतने गफलत क्यों हुई, व्हाट्स द रीजन। तो रीजन आयत नंबर 32 में बताया जा रहा है कि इनका ये सोचना था, क्या सोचना था, वमल हयात दुनिया इल्ला लईब वलह, कि नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर दिल लगी खेल तमाशा फरेब बसे, एंटरटेनमेंट एंड प्लेस ऑफ फन, बिल्कुल डिज्नी क्लब समझ रखा था बिल्कुल दुनिया को और अपनी जिंदगी को। अल्लाह तआला बताते हैं इनकी इस सोच ने, इनकी इस सोच ने, जबकि ये पीछे हमने देखा ना कि यही दुनिया की जिंदगी है जो बिल्कुल यानी कि हमें यही जीना है, यही मरना है, उसका जवाब फिर अल्लाह सुभान तआला ने सॉरी यहाँ पर दिया है कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी नजर में खेल और तमाशा है, लेकिन अल्लाह सुभान तआला ने इसको खेल और तमाशा नहीं बनाया है कि आओ खेलो कूदो और चले जाओ, नहीं, इसलिए नहीं, ये तुम्हारी नजर में ये खेलो तमाशा है और तुमने इसको खेल तमाशा बना रखा है। ये दुनिया की जिंदगी एक खेल तमाशा, एक तफरी गाह है, आओ तुमको जिंदगी मिली है उसको जियो और चले जाओ, यानी
एक मतलब देखिए कि अल्लाह सुबहान ताला की नजर में इस दुनिया की कोई ऐसी हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुबहान ताला की नजर में अगर दुनिया की हकीकत यानी मच्छर के पर या मक्खी के पर के बराबर होती है, तो अल्लाह सुबहान ताला जो है वो काफिरों को पानी का एक घूंट भी ना देते। अल्लाह की नजर में कोई हकीकत, कोई हैसियत नहीं है दुनिया की। बस अल्लाह ने क्यों दुनिया बनाई फिर? इसलिए कि अल्लाह ताला देखे कि बिन देखे अल्लाह से कौन डरता है और कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। इन तमाम चीजों के लिए अल्लाह सुबहान ताला ने इस दुनिया में भेजा है। अब देखिए कि कुछ लोगों ने इसको कैसे लिया है, पता है आपको? अल्लाह ताला तो बोल रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी नहीं है मगर एक खेल और तमाशा है बस। खेल और तमाशा कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक कॉल में पढ़ रही थी कहीं पर कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, जो हमारी लाइफ है, एक स्टेज शो है, दैट्स इट। कैसे कि शो शुरू हुआ, स्टेज पर सबने अपने अपने रोल अदा किए, देन उसके बाद शो खत्म हो गया, स्टेज पर से सब हटे, अपना अपना कॉस्ट्यूम सबने उतार दिया, अपने बिल्कुल असल हालत में सब आ गए। उसी तरीके से अल्लाह सुबहान तआला ने दुनिया में भेजा है सबको, अलग अलग एक अल्लाह सुबहान तआला ने जो है वो कॉस्ट्यूम दे दिया है, किसी को काला कॉस्ट्यूम, किसी को गोरा कॉस्ट्यूम, एंड ऑल दिस। ठीक है, अब आप सोचिए कि मैं समझती हूँ बदबख्त वो इंसान कि जिसको ये पता चल जाए कि अल्लाह सुबहान ताला ने दुनिया में क्यों भेजा है, उसके बावजूद भी वो कोताही करने लगे और बिल्कुल आखिरत को फरामोश कर दे, आखिरत की कोई सोच उसके अंदर नहीं है। जबकि एक बात मैंने आपको बताई थी कि आदम हश्र के मैदान में या कयामत के दिन अल्लाह सुबहान ताला जो है आदम की औलाद को उसके उसके कदम तक हिलने नहीं देंगे जब तक ये 5 सवाल के जवाब ना दे दे। तो सोचिए जरा, उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो उम्र के बारे में किया जाएगा। तुम्हें जो अल्लाह सुबहान ताला ने ये उम्र दी, ये एज जो तुम्हें दिया, इसको कहाँ गुजारी तुमने? दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी कहाँ पर गुजारी? सोचिए आप जरा, हालांकि जवानी उम्र में रहता है लेकिन जवानी के एज में ज्यादातर नाफरमानियों के काम होते हैं। उस एज में क्या किया तुमने? फिर तो उसके बाद जो है वो माल तुमने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और एट लास्ट कि जो इल्म तुमने सीखा उस पर अमल कितना किया। तो आप सोचे जरा कि सारे सवालात के जवाबात के लिए अल्लाह सुबहान ताला ने इस दुनिया में भेजे। अच्छा देखिए कि एक बात बताएं आप, बेवकूफ होगा वो स्टूडेंट जिसको यानी कि पहले से ये भी पता चल जाए कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं और फिर भी वो तैयारी न करें। हालांकि देखिए कि दुनिया का मामला तो ऐसा होता है कि अगर समझिए कोई पेपर लीक हो जाए तो पेपर ही चेंज कर दिया जाता है ना। एग्जाम का कोई पेपर लीक हो जाए तो पेपर पूरा क्वेश्चन सेट ही जो है वो चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अल्लाह सुभान ताला की रहमत देखिए आप, कि आपको कब्र में क्या एग्जाम होने वाला है, हश्र में क्या एग्जाम होने वाला है, वो सारे सवालात के पर्चे लीक हो गए हैं किताब और सुन्नत से, उसके बावजूद अल्लाह सुबहान ताला क्वेश्चन चेंज नहीं कर। तो देखिए मैं समझती हूँ मुसलमान बहुत बेवकूफ है या इंसान बहुत बेवकूफ है कि सारे क्वेश्चन उसको दे दिए गए हैं उसके बावजूद उसको हल करना नहीं चाहता है वो और उसकी तैयारी नहीं करना चाहता है ना। बेवकूफ इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है, किताबें सुनने से सारे क्वेश्चंस पेपर उसको मिल गए हैं उसके बावजूद भी एग्जाम की कोई तैयारी नहीं कर रहा है वो। वही अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये मत सोचिए कि मतलब दुनिया जो है वो खेल तमाशा है, बल्कि अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर कि आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले हिस्से में अल्लाह बता रहे हैं ये दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है, यानी यहाँ जो चीजें हैं वो यही रह जानी है। वलद्दारुल आखिरतु खैरुलिल्लज़ीना यत्तकून, और यकीनन आखिरत का घर जो है बहुत बेहतर है, लेकिन नॉट फॉर एवरी वन। ये दुनिया का खेल तमाशा तो सबके लिए है लेकिन आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है वो जो अल्लाह से डरते डरते जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का तकवा रखते हैं, उसके हुक्म पर चलते हैं। अल्लाह अकबर, सोचिए जरा आज इंसान कितना गफलत में जी रहा है कि जन्नत यही मिल जाएगी, आखिरत यही मिल जाएगी, जबकि अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, ये दुनिया तो सबके लिए है लेकिन आखिरत का घर स्पेशली मुत्तकियों के लिए है, जो अल्लाह के डू एंड डोंट्स पे अमल करता है, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारता है, बिल्कुल अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है। ऐसा नहीं है कि शौक नहीं रखता है, बस दावे दावे करते रहता है मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तो बहुत
मोहब्बत करता हूँ अल्लाह से भी, उसके रसूल से भी। ठीक है, ऐसी कौली मोहब्बत तो मैं समझती हूँ एक इंसान को दूसरे इंसान की भी पसंद नहीं आती है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बेटी आपसे कहे मम्मा आई लव यू, रियली मम्मा आई रियली लव यू सो मच, और आप उससे एक ग्लास का पानी मांगे तो वो ला कर ना दे, और बिल्कुल ला कर ना दे, और ला कर दे भी तो बिल्कुल ऐसे गुस्से में दे, आपको फेंक के मार दे वो ग्लास, तो सोचिए ये कैसी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। देखिए कि और आज का वक्त ऐसा है कि जबान से तो हर कोई अपनी मोहब्बत को जाहिर कर देता है, लेकिन अमलन कोई अपनी मोहब्बत में जो है बिल्कुल खरा नहीं उतरता है। अल्लाह के साथ ऐसा मामला मत करिए, क्योंकि जो मामला इंसान का अल्लाह सुभान तआला के साथ होता है, वही मामला अल्लाह सुभान तआला अपने बंदे के साथ रखते हैं। टिट फॉर टैट का मामला अल्लाह सुभान तआला के साथ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कुरान में हम कुछ खुद इस मैसेज को जो है वो इंशाल्लाह लेंगे। तो यहाँ पर वही बात बता जा रही है कि तुम्हें बता दिया गया है कि आखिरत का घर बहुत बेहतर है और मुत्तकियों के लिए है, अफला ताकिलून, फिर तुमको अकल नहीं है क्या? देखिए डांट देखिए अल्लाह सुभान तआला की, अकल नहीं है तुमको, अकल से काम नहीं लेते हो, इतनी बातें तुम्हें समझाई जा रही है, दुनिया 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 करते रहते हो। क्या है दुनिया? खेल तमाशा है और कुछ नहीं अल्लाह की नजर में, कोई कीमत नहीं अल्लाह की नजर में। इंशाल्लाह आगे हम सूरह ज़ुख़रुफ़ में जाकर पढ़ेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने शिर्क और तौहीद का वहां पर इतना बेहतरीन जो एक आयत के जरिए मिसाल अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि बिल्कुल यानी कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें इतनी बातें सिखाई जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतनी बातें बताते थे, लोग फिर भी नहीं मानते थे, तो तसल्ली दी जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इन्नहु लयहज़ुनुका, कि हकीकत हम जानते हैं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक गमगीन करती है आपको बातें उन लोगों की जो वो कहते हैं। फइन्नहुम लायुकज़्ज़िबूका युकज़्ज़िबूनका, तो बेशक वो नहीं वो झुटलाते हैं आपको, और लेकिन बात क्या है असल में, लेकिन जालिम भी आयात लाही ये यजहदू, ये जालिम लोग तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यहाँ पर देखिए खुलासा कर दिया गया इस बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि पता है मुझे कि आपको गमगीन करती हैं ये लोगों की बातें। देखिए यहाँ पर गजब का वर्ड नहीं आया है, क्या पता चला? एक दाई दीन को तड़पना चाहिए, गमगीन होना चाहिए। कैसे? अगर लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, लोग जो है वो दीन पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो दाई दीन की सबसे बड़ी निशानी आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो अगले बंदे को, अगर वो उस पर अमल नहीं कर रहा है तो आपको तड़पना चाहिए, आपको गम होना चाहिए कि क्यों ये बंदा दीन पर नहीं आ रहा है, ना कि आपको गुस्सा आए। गुस्सा अगर आता है तो दाई दीन की निशानी नहीं है ये कि वो गुस्सा करे, बल्कि उसको गमगीन होना चाहिए। पूरे कुरान में आपको बिल्कुल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसी आयतें मिलेंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता था, घुटते थे, रोते थे, अपने इतना अफसोस करते थे लोगों पर, लेकिन गुस्सा कभी भी नहीं ऐसा वर्ड आया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुस्सा ना करें, ऐसा वर्ड कहीं भी इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा, और है भी नहीं है कुरान में। तो क्या पता चला, एक अदब मुझे और आपको अल्लाह सुब्हान तआला समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जब आप भी अल्लाह के रास्ते में आएंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपको गुस्सा नहीं करना है, फिर अपने आप को जांच ले। अदर अगर अच्छा आपको गुस्सा आ रहा है तो अभी भी समझिए आपके अंदर एक दाई दीन की क्वालिटी की कमी है, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करें, देन उसके बाद लोगों में जाकर बात करने की कोशिश करें। अतः बोल रहे हैं असल में इन लोगों को आप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन लोगों को प्रॉब्लम अल्लाह की आयतों से है। यस डेफिनेटली, देखिए कि जितनी भी मतलब ये मक्की सूरतें होंगी ना, तो उसमें आपको ये अंदाज जरूर मिलेगा कि मक्का वालों का हाल क्या था। पता है कि उन लोगों को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मसला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उनको ये था कि ये एक एक अल्लाह को पुकारना जो है इसको बंद करो तुम, और तौहीद छोड़ दो, हमारे माबूदों को ही पुकारो, दिस एंड दैट, है ना, ऑल दिस ना। तो लेकिन अल्लाह ताला वही बोल रहे हैं, और मदीना वालों को प्रॉब्लम क्या था जहां पर यहूदी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उनको प्रॉब्लम था और कलाम से प्रॉब्लम नहीं था, कि जिनकी किताबों में लिखा था आखिरी किताब आई ये कुरान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, कि ये हमारी जात का नहीं है, बिरादरी का नहीं है, हमारे कुंबे का नहीं है, खानदान का नहीं है। ये एक मसला था बड़ा, दोनों में फिर अलग अलग मसले थे दोनों। तो अल्लाह सुब्हान तआला फिर और तसल्ली दे रहा है नंबर 34 में, वलकद कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक,
और ये कोई नया नया आप अनोखे रसूल नहीं आ गए हैं कि आपको ये झुटलाए जा रहे हैं, बल्कि आपसे पहले भी बहुत सारे ऐसे रसूल गुजर चुके हैं जिन्हें आपसे पहले भी झुटलाया गया। तो क्या करें, जो उन्होंने किया वही आप भी करें। फसबरू, यस डेफिनेटली, फिर आप सबर करें। किस पर? उस पर जो वो झुटला रहे हैं आपको, और जो वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं ना, उस पर आप सबर करें। कब तक सबर करें भाई? हत्ता अताहुम नसरुना, यहाँ तक के आई उनके लिए हमारी मदद। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आती है एक दाई दीन को, लेकिन सब्र के साथ। अगरचे वो स्टैंड लेता है अल्लाह के रास्ते में, और वो अगर सब्र पे जमा रहता है, तो कमाल का गजब का उसको अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से हेल्प मिलती है। आज हाल क्या है मुसलमानों का? जरा सा कुछ हुआ, स्टेबल नहीं रहते हैं, इस्तेकामत नहीं रहती उनके अंदर, और बिल्कुल जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला आसलम को भी बोल रहे हैं, आपको जो ये लोग झुटला रहे हैं, आपको जो ये लोग परेशान कर रहे हैं, उस पर आप जमे रहोगे तो डेफिनेटली जैसे उनको हमारी मदद आई थी, आपको भी हमारी मदद आएगी। और सुन लीजिए, वला मुबद्दिल अली कलिमातिल्लाह, और नहीं कोई भी बदल सकता है अल्लाह की बात को। कौन सी बात को? ये बात क्या है? ये है बात, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और पीछे भी जा चुकी है कि ईमान वालों को और रसूलों को अल्लाह की मदद अल्लाह के रास्ते में डेफिनेटली आती ही आती है। ये है वो बात जिस पर अल्लाह सुब्हान ताला ने ये यहाँ पर कहा कि कोई नहीं है जो अल्लाह के कलिमात को, अल्लाह की बात को बदल सके। और इसीलिए अल्लाह ताला ने खुलासा कर दिया बिल्कुल आखिर में, आयत नंबर 34 में, वलकज अकमिन नबा इल मुरसलीन, और यकीनन आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो मतलब ये बातें जो खबरें आ रही हैं रसूलों की, ये आपके पास आ चुकी हैं। पहले भी अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको बात बता दी है कि मेरी मदद आएगी, जरूर आएगी, और यही वादा अल्लाह ने ईमान वालों से किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम लोगों ने जो है वो मुकम्मल किया 34 तक, आयत नंबर 34। अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अब्बा मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। ऐ अब्बा मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। ऐ अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है उसमें मुझे इनायत और बरकत अता करना, और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। तो अब्बा इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.